हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम आपको आज पूरे दिन की 10 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली चुनाव प्रचार का चुनावी बिगुल थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया और पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। दिल्ली का दंगल जारी है, लेकिन उस सब के बीच आज चुनाव प्रचार थम गया। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने भी धुआंधार प्रचार किया। सीएम मनोहर लाल ने प्रचार के दौरान 26 विधानसभाओं में लगभग 74 जनसभाएं की। उसमें अगर अपना बताता हूं तो 27 तारीख से लगातार मेरी सभाएं चल रही हैं और हर दिन 5-6 से लेकर 8-10 तक भी चलती हैं। तो आज इस समय तक जो मेरे कार्यक्रम हो गए हैं, या अभी मेरे दो कार्यक्रम, तीन कार्यक्रम और हैं, उनको मैं तीन को शामिल कर लेता हूं, तो 26 विधानसभाओं में मेरा जाना हो गया और जिसमें छोटे बड़े मिलाकर 74 कार्यक्रम मेरे हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के मूड को लेकर कहा कि इस बार दिल्ली की जनता ने मिजाज बना लिया है कि वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि 5 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। सीएम के साथ साथ गृह मंत्री भी बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने दिल्ली सीएम को लेकर कहा कि केजरीवाल की पार्टी का उदय ही झूठ की बुनियाद पर हुआ। भारतीय जनता पार्टी, लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और धोखेबाज केजरीवाल का उन्होंने 5 साल का समय बड़ी मुश्किल से निकाला है। ये खाली घोषणाएं करता है, धोखे करता है और इस पार्टी का तो जन्म ही धोखे से हुआ था, इसलिए लोग अब इस पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। सीएम मनोहर लाल दिल्ली में पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए दिलो जान से जुटे रहे और आज प्रचार भी थम गया, लेकिन चुनाव की आखिरी तस्वीर परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगी, क्योंकि 11 फरवरी को दिल्ली की जनता तय करेगी कि उसने फिर से 5 साल के लिए किस पार्टी पर भरोसा किया है और किस पार्टी को वनवास के लिए भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। धान घोटालेबाज अब नहीं बचेंगे। विभाग ने उन पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है और उनसे पूरे पैसे वसूले जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। धान घोटालेबाजों पर सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब घोटालेबाजों के पास सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब डिफॉल्टर राइस मिलों के गारंटरों से ही पैसा वसूलने का फैसला किया है। ये निर्देश दिए हैं कि अब इनकी कल इन मिल के मालिक जो पैसा जमा नहीं किए हैं, उनके और उनको गारंटर को बुला के उनसे 1-to-1 बात करना शुरू करें, ताकि मामले में हम आगामी में फैसला ले सकें। इससे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग ने 5 फरवरी तक मिलर्स को जवाब दाखिल करने का समय दिया था। विभाग ने मिल मालिकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि जो धान कम मिला उसका क्या कारण है। 757 मिल मालिकों ने जवाब दिया था, जबकि 450 मिल मालिकों ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद विभाग ने उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। क्योंकि 5 तारीख तक जमा पैसा नहीं करवाया, तो अब उसके गारंटर को ही पैसा जमा करने के लिए कहेंगे और गारंटर और मिल मालिक दोनों को बुला के उनको कहेंगे कि भाई ये इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया और अब आपकी बारी है पैसा देने की। ये करने के लिए मीटिंग के जरिए उनको बताने के लिए और उसी मीटिंग में उनको गारंटर को नोटिस देने के लिए मैंने कह दिया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इन पर 3 तरह की कार्रवाई करेगा। घोटालेबाजों पर होगी कार्रवाई, गारंटरों से वसूल किया जाएगा पैसा, मिल मालिकों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट, मालिकों के खिलाफ दर्ज कराया जाएगा मुकदमा। दरअसल प्रदेश की 1304 चावल मिलों में से 1207 मिलों में धान कम मिले थे, जिसके बाद सरकार ने मिल मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जिन मिलर्स ने जवाब नहीं दिए उन पर विभाग ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आरजे एंटरप्राइजेज राइस मिल के पार्टनर्स पर गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि मिल के पार्टनर धान से चावल निकालने के नाम पर विभाग को ही करोड़ों की चपत लगाकर फरार हो गए।
अक्सर सरकारी बाबुओं और अधिकारियों पर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, मगर कैथल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें राइस मिल के पार्टनर सरकारी विभाग को ही धोखाधड़ी का शिकार बनाकर फरार हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजी एंटरप्राइजेस राइस मिल की, जहाँ के पार्टनर रजनीश मिगलानी, गिरीश मिगलानी, निकुंज गर्ग और प्रकाश देवी पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने 7000 मीट्रिक टन धान मिल को दिया था, लेकिन मिल ने सिर्फ 3000 मीट्रिक टन ही चावल धान से निकाल कर भेजा और बाकी का गबन कर लिया। इसमें डीएफएससी की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई है कि एक फर्म ने लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास का माल है जो उनका था, उन्होंने मिलिंग में दिया हुआ था, वो उसने वहाँ से खत्म घटा दिया है और 9 करोड़ रुपए का घपला कर दिया है। तो उसके बेस पे हमने मिलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। हालांकि विभाग का कहना है कि अधिकारी नोटिस पर नोटिस भेजते रहे, लेकिन मिलर्स ने किसी नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया और फरार हो गए। विभागीय अधिकारियों को मिलर्स के इरादों की भनक लगी तो पंचकुला में उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी गई, जिसके बाद विभाग ने कैथल एसपी को शिकायत दी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कैथल से सामने आए मामले ने मिल के मालिकों पर तो सवाल खड़ा ही किया, लेकिन विभाग के ऊपर भी कई सवाल उठे हैं। आखिर क्यों इतने दिनों तक विभाग ने मिल के कामकाजों की सुध नहीं ली, क्यों मिल मालिक इतने दिनों तक मनमानी करते रहे लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। हरियाणा न्यूज के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मनीष ग्रोवर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब उनकी शिकायत पर एक्शन भी दिखने लगा है। महम से विधायक बलराज कुंडू अर्बन लोकल बॉडीज में हुए घोटालों की लिखित शिकायत गृह मंत्रालय और शहरी निकाय मंत्रालय का पदभार संभाल रहे कैबिनेट मंत्री अनिल विज को मंगलवार को ही दे चुके हैं। शिकायत पर गृह मंत्री विज ने एसआईटी का गठन भी कर दिया था, जिसमें यूएलबी डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर और रिटायर्ड अधिकारी शामिल किए गए थे। इस कार्रवाई को लेकर गुरुवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महम से विधायक बनने के बाद से ही बलराज कुंडू यहां हुए घोटालों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हैं। उन्होंने इन घोटालों का खुलासा करते हुए यहां तक कह दिया था कि वो सीएम के कार्रवाई न करने पर समर्थन तक वापस ले लेंगे। हालांकि उस समय भी महम विधायक को कैबिनेट मंत्री अनिल विज से काफी उम्मीदें थी। महम से विधायक बलराज कुंडू अपनी ये पूरी मुहिम किसी और के नहीं बल्कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के खिलाफ चला रहे हैं और अब लगता है कि इस मुहिम में गृह मंत्री का साथ भी उन्हें भरपूर मिल रहा है, क्योंकि एसआईटी गठन करने का मतलब है कि जांच होकर रहेगी। एक तरफ महम विधायक बलराज कुंडू हैं तो दूसरी तरफ मनीष ग्रोवर। इस जंग में महम के विधायक को गृह मंत्री का साथ तो मिल गया है, मगर मनीष ग्रोवर के लिए सीएम की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं आया है। भले ही वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, मगर इस कार्रवाई के बाद शायद सीएम को भी दबाव का एहसास होने लगेगा। इस मामले में नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है कि कार्रवाई जल्दी ही होगी और ये तो सभी जानते हैं कि महम विधायक ने अपनी इस पूरी मुहिम में किसको निशाने पर रखा है। हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी होने की टाइमिंग भी अपने आप में ही कई सारी चीजें कह जाती है। चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमेशा विवादों में रहने वाले अनिल विज फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। विज ने राहुल गांधी को लेकर एक अजीबोगरीब बयान देकर कहा कि राहुल गांधी को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। रिपोर्ट देखिए। गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को लेकर निजी हमला किया है। उन्होंने पीएम मोदी पर दिए राहुल गांधी के डंडे मारने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी अच्छे पागलखाने में भर्ती करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसक राहुल को इस तरह से खुला छोड़ना ठीक नहीं है। किसी अच्छे पागलखाने में भर्ती करा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे हिंसक राहुल गांधी का खुले में घूमना सुरक्षित नहीं है, लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अनिल विज ने वहीं दुष्यंत चौटाला की GD+ सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है,
हालांकि दुष्यंत ने इसके लिए चुनाव से पहले केस कर रखा था। जानकारी नहीं है, जहां तक मुझे पता है उन्होंने सरकार बनने से पहले भी जेड सिक्योरिटी लेने के लिए हाईकोर्ट में केस लगा रखा था और उन्होंने किसी थ्रेड के हिसाब से लगा रखा था और सिक्योरिटी जो है थ्रेड परसेप्शन के हिसाब से दी जाती है। अनिल विज को प्रदेश में बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। उनके बयानों से प्रदेश की राजनीति गरमाई रहती है। आज राहुल गांधी पर की गई उनकी टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि विज अपने बयान पर कायम रहते हैं या फिर इस पर सफाई देते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए दिल्ली से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। पानीपत नगर निगम में बढ़ते घोटालों पर अब मेयर सख्त हो चुकी है। पानीपत मेयर ने कहा कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पानीपत निगम में लगातार एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिससे शहर में विकास की गति पर विराम लगा हुआ है। इसी कड़ी में अब पानीपत से हाउस टैक्स घोटाले का मामला सामने आया। पानीपत नगर निगम की मेयर अवनीत कौर ने निगम कार्यालय के हाउस टैक्स विभाग में बड़ी धांधली उजागर करते हुए कहा कि विभाग लोगों से पिछले 10 साल का टैक्स वसूल कर अपनी जेब भर रहा है, जिसके चलते निगम का खजाना खाली है, जिससे आए दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मेयर ने आरोप लगाया कि हजारों फाइलों में घोटाला हुआ, जिसकी वो विजिलेंस से जांच करवाएंगी। हमारे जो हाउस टैक्स के अंदर स्टाफ लगा हुआ है वो उस 10 साल के रिकॉर्ड को किसी में 5 साल का कन्वर्ट कर देते हैं, किसी में 2 साल का और किसी में 3 साल का। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि नगर निगम के अंदर रिवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। मेयर अवनीत कौर का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगी और मामले में शिकायत देकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी। आगे कार्रवाई ये रहेगी, मेरी एक लेटर जो है मैनुअल विज जी को देकर खुद जो है देकर आऊंगी और एक पोस्ट भी कर दूंगी अभी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक लेटर लिखूंगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, कि इस चीज के ऊपर जो है सख्त ध्यान दिया जाए, हमें ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए, स्टाफ को जो है यहाँ से खाली कराया जाएगा। आपको बता दें कि पानीपत में पहले भी खपले, घोटाले और धांधली के मामले सामने आ चुके हैं। ठेकेदारों का खपला, स्ट्रीट लाइट घोटाला जैसे मामलों को लेकर पानीपत चर्चाओं में रहा है। हालांकि इस मामले में अब देखना होगा कि मेयर मामले में आरोपियों पर कितनी सख्त कार्रवाई करती हैं, कितनी सख्त कार्रवाई करवाती हैं और क्या सही में जो इस मामले में आरोपी पाए जाते हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गोहाना सोनीपत रोड पर बनाए जा रहे नाले में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने से स्थानीय लोग और दुकानदार बेहद परेशान हैं। वहीं आज इसी सिलसिले में गोहाना एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। गोहाना सोनीपत रोड पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार की पोल तब खुली जब दुकानदारों ने ठेकेदार के खिलाफ सोनीपत डीसी को लिखित शिकायत दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से वहां से निकलने वाले लोग परेशान हैं। महीनों बीत जाने के बाद समस्या दूर नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। नाला तो बढ़िया बना नहीं रहा, सारे को पानी खड़े रहा, देखो उधर भी लगा के देखो, अरे यहाँ भी देखो ये क्या हो रहा है, सब के में इसके अंदर बढ़िया ना करे, पानी सरक रहा है नाला का, तो वैसे ही काम बढ़िया नहीं कर रखा है। अच्छा, इस नालों में हमने बार बार डी साहब को, एसपी साहब को शिकायत की है कि बहुत गलत बन रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और जनता को बड़ी असुविधा हो रही है। इसमें डी साहब ने निर्देश दिए कि कमेटी गठित की है, अब देखो इसमें फर्दर क्या निर्णय लेते हैं। क्वालिटी का बहुत बड़ा मेजर है, ये क्वालिटी ऐसी पुअर है कि आदमी को किसी टाइम भी एक्सीडेंट हो सकता है। उधर दुकानदारों की शिकायत पर सोनीपत के डीसी ने गोहाना के एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी को गठित किया। आज गोहाना एसडीएम की मौजूदगी में कमेटी ने मौके पर चल रहे नाले के निर्माण का निरीक्षण किया, जिसमें खुद एसडीएम ने पाया कि नाले में घटिया सामग्री यूज की जा रही है। आदेशानुसार एक कमेटी जिसमें जो एनएचसीआई जो ड्रेनेज सिस्टम जो बना रही है उसके इंस्पेक्शन के लिए, उसी की इंस्पेक्शन चल रही है, वहाँ पे कुछ खामियाँ भी मिल रही हैं, लेवलिंग में भी प्रॉब्लम है और भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो उसका कमेटी रिपोर्ट करेंगे। तो लेवलिंग की है, लेवल ठीक नहीं है और
कहीं कहीं तो उसकी क्वालिटी को भी हम फॉर्म चेक करवाएंगे, क्वालिटी को भी एक बार देखा जाएगा शायद उसके अंदर भी कुछ खामियां लगे। ठेकेदारों के अधिकारियों से मिली भगत के चलते करप्शन के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में प्रशासन हमेशा सवालों के घेरे में रहता है, क्योंकि बिना अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत के चलते इतनी बड़ी धांधली हो ही नहीं सकती। गोहाना से हरियाणा न्यूज के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट। नैरोल में स्वच्छ भारत अभियान को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अधिकारियों की कोठियों में सफाई का नजारा देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। वैसे तो देश भर में आपने स्वच्छता अभियान की कई मिसालें देखी होंगी, मगर नारनौल की तस्वीर देखने के बाद सफाई अभियान से ही आपका भरोसा उठ जाएगा। यहाँ तो स्वच्छ भारत अभियान पर खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल नगर परिषद में शहर की सफाई के लिए लगभग 200 कर्मचारी हैं, जिनमें कुछ कच्चे हैं तो कुछ पक्के हैं। बावजूद इसके सफाई का ये हाल देखिए। कमेटी से जो तनख्वाह ले रहे हैं उनको चाहिए कि कमेटी से तनख्वाह ना लेकर के शहर के अंदर काम करे, और जो है शहर के अंदर जो मोहल्ले में गलियों में जो गंद फैला हुआ है उस गंद को दूर करना चाहिए। यहाँ जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ रुकी हुई हैं और कई वार्डों में हफ्तों से सफाई नहीं हुई, जिससे लोग तो परेशान हैं ही। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की कोठी पर रोजाना सफाई हो रही है। जब इस मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 507 के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं वो 34 हैं और बाकी लगभग सारे डिसिडेंट और पालिकाओं। इनमें से लगभग 30 से 35 कर्मचारी सरकारी कोठियों पर तैनात है, जिसमें जुडिशियल में और सिविल महकमे में नगर परिषद के चेयरमैन के। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। यानी कर्मचारियों की संख्या तो अधिकारी जी को पता है, मगर वो ये नहीं बताना चाहते कि आखिर ये कर्मचारी सफाई अभियान में काम करने की बजाय अधिकारियों की कोठियां क्यों चमका रहे हैं। शायद अब इस मामले में प्रदेश के शहरी निकाय मंत्री को ही कुछ करना होगा। नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जवानों को लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक लाखों दावे करती है, लेकिन गुरुग्राम में एक शहीद परिवार ऐसा है जो सरकार की मदद से खुश है। पुलवामा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद पूरे देश में शहीदों के परिवारों के लिए संवेदनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। सरकार की तरफ से भी तमाम वादे किए गए थे कि हर तरह से उन परिवारों की सहायता की जाएगी, लेकिन दावों की हकीकत क्या है उसको जानने के लिए गुरुग्राम के खोह गांव में रहने वाले इस परिवार से मिलिए। कौशल कुमार रावत पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। सरकार की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक मदद के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे पिताजी का शहीद स्मारक बनाया जाएगा, शहीद स्मारक के लिए जमीन दी जाएगी, जीवन व्यतीत करने के लिए जमीन दी जाएगी, जैसे कि सभी पुलवामा शहीदों को दी गई है, अदर स्टेट में भी और यूपी स्टेट में भी, और शहीद द्वार बनाया जाएगा हमारे गाँव के बाहर, और एक सड़क का जो हमारे गाँव से जुड़ती है उसका पिताजी के नाम पर नाम रखा जाएगा, और कई ऐसे आश्वासन थे जो हमारे साथ खड़े होने के लिए दिए गए थे, मगर उनमें से अभी तक तो 25 लाख रुपीस के अलावा कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। शहीद का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई साल से गुरुग्राम के मानेसर इलाके में रह रहा है, लेकिन इस परिवार को ना तो केंद्र, ना ही यूपी और ना ही हरियाणा सरकार मदद कर रही है। वो ही एक हमारा घर परिवार है सीआरपी, बाकी की हमारा एक बार मोदी जी से मिलने का बहुत दिल करता है, क्योंकि हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ है। पुलवामा हमले को लगभग एक साल हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से जो वादे किए गए वो अब तक पूरे नहीं हुए, और शहीदों का परिवार आज भी सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज विशिष्ट की रिपोर्ट। क्या कभी आपने सुना है कि आपको परोसे जाने वाले खाने से भी गहने बनाए जा सकते हैं? अगर नहीं सुना तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि धान से कैसे आकर्षक गहने बनाए जाते हैं। फ
फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश विदेश की कला और संस्कृति के अनोखे संगम के बीच लोगों को हैरान कर देने वाली चीजें भी देखने को मिल रही हैं। इन्हीं में से खास हैं धान से तैयार की गई ये ज्वेलरी। जी हाँ, चौंक गए ना आप, देखिए धान की ज्वेलरी। इस अनोखे तोहफे को कोलकाता के हस्तशिल्पी पुतिल दास 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में लेकर आई है। लोग भी इनके अनोखे गहनों को काफी पसंद कर रहे हैं। आपने तमाम तरह की ज्वेलरी सुनी होंगी, सोने की, चांदी की, पीतल की, आर्टिफिशियल, पर धान की जो खेती होती है, जो धान के बीज है, उनसे भी ज्वेलरी यहाँ पर लेके आर्टिफिशियल जो हस्तशिल्पी है वो लेकर आए हैं। लोग लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टॉल है यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो धान के जो बीज होते हैं उनसे ये ज्वेलरी बनाई गई है। लोगों को काफी पसंद आ रही है यहाँ पर। साफ तौर पर जो ये महिला है, ये जो बताया जा रहा है कि कोलकाता से आई हुई है। हस्तशिल्पकार पुतिल दास का कहना है कि वो पहले भी कई बार सूरजकुंड मेले में अपने स्टॉल लगा चुकी हैं और उन्हें इस काम के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। मैं 20 साल से काम कर रही हूँ और बिल्कुल ये नया चीज है जो कभी किसी ने नहीं सोचा है। धान सिर्फ खाने में यूज किया जाता था, उससे हमने ज्वेलरी बनाया है। ये खूबियां है इस ज्वेलरी की और ये इतना मजबूत है कि 5-6 साल आराम से चलता है और ये वॉशेबल भी होते हैं। पुतिल दास का कहना है कि वो इस हुनर को दूसरे लोगों में भी बांट रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके द्वारा बनाई गई ज्वेलरी की कीमत भी ज्यादा नहीं है, इसकी लाइफ 5-6 साल तक होती है। नेशनल अवार्ड मिला है 2014 में और 2002 में स्टेट अवार्ड मिला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। सूरजकुंड में हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इससे पहले भी कभी आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया? नहीं, बहुत बार आए हैं, ये लेके शायद 4-5 बार होगा। धान के गहनों को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। आप देख सकते हैं कि कितना जो इनका हुनर है, जो कहीं ना कहीं धान को जो खाने में प्रयोग करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इन्होंने ज्वेलरी बना रखी है और लोगों के आकर्षण का केंद्र ये स्टॉल बना हुआ है। राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए इतना है, नमस्कार।